हेलो फ्रेंड्स, सीएमसीआईटी प्रोग्राम चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार क्यूबेसिक वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो मैथमेटिक्स रिलेटेड है। तो आज का जो क्यूबेसिक का प्रोग्राम है, एक हम आपको स्फेयर लेंगे और वो स्फेयर को आपको एरिया एंड वैल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्फीयर को एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये आपको जो स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 πr³, जहाँ पर आपको पाई का वैल्यू इनपुट करना होगा, पाई का वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना होगा, उसके साथ साथ आपको रेडियस इनपुट करना होगा। और एरिया ऑफ स्फीयर के लिए यहाँ पर 4πr², इसके लिए भी आपको पाई का वैल्यू और इनिशियलाइज करना होगा और रेडियस इनपुट करना होगा, ठीक है। जहाँ आर का मतलब आर एक वेरिएबल है जो आपको रेडियस, इसका रेडियस इंडिकेट किया जाता है, और पाई का वैल्यू आपको 22/7 है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर CLS करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि हमें रेडियस इनपुट करना है। कोई एक वेरिएबल हम लेकर के हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटर द रेडियस, ठीक है, इंटर द रेडियस हम आर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं CLS एक आपको सिंपल कमांड है जो आपको आउटपुट स्क्रीन क्लियर करते हैं। और पाई जो है एक वेरिएबल है जो जिसमें आपको पाई का वैल्यू स्टोर हुआ है, यहाँ पर 22/7 जो इनिशियलाइज किया गया है। और इनपुट एक स्टेटमेंट है जो आपको ए रेडियस इनपुट हो रहा है, इंटर द रेडियस, ये जो देख रहे हैं आपको डबल कोटेशन में जो देख रहे हैं, ये इसे हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कहते हैं, जो जब भी डबल कोटेशन में क्लोज होता है। ये नहीं देने से भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, नहीं देने से भी चलेगा ये। और आर जो है आपको जो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है, जो 4 बाइट स्पेस करते हैं, जिसे डिफॉल्ट वेरिएबल कहा जाता है। और रेडियस इनपुट करने के लिए आर यूज किया गया है यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पाई भी इनपुट होगी, पाई भी आपको इनिशियलाइज हो गया है और रेडियस भी इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको एरिया, ठीक है, ठीक है, एरिया वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें आपको क्या होगा, तो आपको स्फीयर का एरिया आपको स्टोर होगा 4 πr² 2, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है एरिया ऑफ स्फीयर का, 4πr² और वॉल्यूम इक्वल टू, हम यहाँ पर एक वॉल्यूम भी आपको वेरिएबल ले चुके हैं, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, जब भी यहाँ पर इक्वल टू देंगे तो 4/3, ठीक है, 4/3 πr² इंटू क्या होगा यहाँ पर, r³, ठीक है, 4/3 πr³, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया और वैल्यूम है, दो वेरिएबल्स हैं ये, और जितने सारे देख रहे हैं सिंगल पिशन वेरिएबल्स हैं। ये आपको पाई भी सिंगल पिशन है, रेडी आर भी सिंगल पिशन है, एरिया भी सिंगल पिशन है, और वॉल्यूम भी सिंगल पिशन है, ठीक है। एरिया और वैल्यूम दो वेरिएबल्स है, जिसमें आपको एरिया वेरिएबल में आपको क्या होगा, तो एरिया पे स्फीयर स्टोर होंगे होगा, अब वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए जब एफ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीएल इंटर द रेडियस है, यहाँ पर इंटर द रेडियस में मान लीजिए हम 7 दे रहे हैं, तो जब भी इंटर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इनपुट हो रहा है और यहाँ पर ले नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, printप्रिंट करेंगे, प्रिंट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर सेमीकोलन देंगे, उसके बाद क्या है, एरिया, और सेकेंड में क्या है, यहाँ पर प्रिंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर क्लोज सेमीकोलन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब जब भी हम इसे हम इंड करें प्रोग्राम को, जब भी हम रन करते हैं, तो मान लीजिए एरिया ऑफ स्फीयर 7 है, तो आपको एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कि इंटर द रेडियस यहाँ पर -5 दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर
यहाँ पर आउटपुट माइनस में आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आंसर रॉन्ग है, क्योंकि जब भी आपको एरिया और वैल्यूम निगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, रेडियस कभी भी इनपुट नहीं होते हैं, तो ये आपको इलीगल प्रोग्राम है, हालांकि कॉन्सेप्ट ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको गो टू स्टेटमेंट चलना होगा, जो बहुत बेहतरीन कमांड है आपका क्यूबीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, 10 ये लाइन नंबर है ये, ठीक है, जो आपको कॉलम से एंड होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन क्या करेंगे, देन प्रिंट इनवैलिड नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू क्या करेंगे यहाँ पर 10, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर 5 करेंगे तो क्या होगा, इंटर द रेडियस यहाँ पर 9 है, इंटर डालिए, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड एरिया ऑफ स्फीयर 1018.286 3054 समथिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर F5 करके अगर माइनस हम 8 दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पर गो टू स्टेटमेंट चला हुआ है, और जब तक आप पॉजिटिव वैल्यू एक्स सपोर्ट नहीं आप इनपुट करेंगे तब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। माइनस आपको 5 दीजिए फिर भी आपको इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दीजिए तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका आज का प्रोग्राम, जो एक हम स्फीयर लेंगे, और स्फीयर का मतलब गोलाकार कोई भी वस्तु लेंगे, और उसको क्या एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना है। इसके साथ साथ मैं इस आज का वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें, और नई YouTube वीडियो पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।